स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे हमारा 11th क्लास का ग्रामर का टॉपिक जो हमारा चला हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका थर्ड पार्ट एडजेक्टिव। पहले हमने किया था नाउन को, सेकंड में प्रोनाउन को, थर्ड पार्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, जो विशेषता बताए। तो एडजेक्टिव क्या हुआ? एक क्वालिफाइंग वर्ड। डेफिनेशन इसकी एडजेक्टिव की, विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन की यानी संज्ञा की और प्रोनाउन यानी सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव विशेषण। जैसे स्वीट, लॉन्ग, रिच, इंटेलिजेंट, ऑल, सम, फ्यू, ये सारे के सारे हमारे होते हैं एडजेक्टिव्स, यानी ये विशेषता बताते हैं। जैसे राम इज अ ब्रेव बॉय, ये किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पे नाउन की। तो यहाँ पे ब्रेव क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से जो जो वर्ड हमारे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। तो ब्रेव यहाँ पे क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव। तो उसके बाद आता है जो एडजेक्टिव के बाद, कि एडजेक्टिव के टाइप कितने होते हैं, काइंड्स कितने होते हैं। तो देर आर 9 टाइप्स और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो किसी नाउन और प्रोनाउन के जो गुण या दोष को बताते हैं, विच क्वालिफाई ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, विच क्वालिफाइज और हाउ मच और हाउ मैनी टेल्स अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा को दर्शाता है। थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नाउन प्रोनाउन की संख्या को बताता है, कि कोई एक, दो, तीन, कुछ ज़्यादा, जो कितना होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो उसके बाद है फोर्थ, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो डिमोन्स्ट्रेट करता है किसी चीज़ की तरफ, इशारा करता है कि ये, वो, यहाँ, दिस, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे हमारे होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। फिफ्थ है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेस मीन्स ऑनरशिप, जो किसी चीज़ के पजेशन को यानी कि अधिकार को, मालिकाना हक को जो दिखाता है वो होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेशन को जो दिखाता है, जैसे माई, योर, हर, तो ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव जो वितरणवाचक होते हैं, इच, आइदर, नाइदर, ये होते हैं एवरी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। सेवन्थ है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में जो विच आस्क क्वेश्चंस, जो सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जैसे हु, व्हाट, हुम, विच, ये सारे होते हैं हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। सबसे सिंपल है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, जो प्रॉपर नाउन से सीधे जो बनते हैं वर्ड उसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन। तो इनका जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, इनका फर्स्ट पहचान होती है कि इनका भी फर्स्ट लेटर प्रॉपर नाउन के जैसे जो कैपिटल लेटर ही होता है फर्स्ट लेटर। नेक्स्ट है लास्ट 9th इम्फेसाइजिंग, जो जोर देकर कहता है किसी चीज़ के ऊपर, जो है प्रेस करता है, ले रिप्रेस, जैसे कि ऑन, माइंड योर ओन लैंग्वेज, तो यहाँ पे ऑन जो है वो है इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। तो अब हम इनको करते हैं एक एक करके, वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। जो फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, ये किसी आदमी की, किसी चीज़ की, किसी भी व्यक्ति और किसी भी चीज़ की जो है क्वालिटी को दिखाता है, तो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कोई जो है ओल्ड है, वाइट है, ब्लैक है, ब्यूटीफुल है, रेड है, ये सारे के सारे होते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द कार इज़ ओल्ड, जो कार है वो पुरानी है। तो यहाँ पे कार तो है नाउन, इसकी विशेषता बताता है कार कैसी है, तो ये है ओल्ड, तो ओल्ड यहाँ पे है हमारा एडजेक्टिव। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यहाँ पे कार जो है कॉमन नाउन है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है ओल्ड, तो ये क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की टाइप क्या हुई?
क्वालिटी, क्योंकि ये क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। सेकंड एग्जांपल है सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। सी यहाँ पे प्रोनाउन है, कोई लड़की होगी, सी जो है नाउन की जगह पे यूज हुआ प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की विशेषता बताया सी कैसी है, ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है हमारा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है द बॉय इज़ ब्रेव, लड़का बहादुर है। तो यहाँ पे बॉय नाउन है, कॉमन नाउन, बॉय कैसा है, लड़का कैसा है, ब्रेव। तो यहाँ पे ब्रेव किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय की। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रेव है ये हुआ एडजेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट है द फ्लावर इज रेड, जो फूल है वो रेड है, द फ्लावर इज रेड। तो फ्लावर यहाँ पे क्या है, नाउन, और किसी भी चीज़ का नाम होता है नाउन, तो नाउन की विशेषता बता रहा है ये फ्लावर की, तो फ्लावर कैसा है, रेड। तो यहाँ पे रेड भी क्या है हमारा, एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सबके सब क्वालिटी है, ये भी क्वालिटी है एडजेक्टिव, सारे जो है ये क्वालिटी के हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये तो था क्वालिटी और ये क्वांटिटी मात्रा। क्वालिटी बताता है सिर्फ गुण और दोष को, और क्वांटिटी बताता है मात्रा को, कि कोई चीज़ क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस हाउ मैनी और हाउ मच, कि कितना ज़्यादा और कितनी संख्या में जो है ये मात्रा में कोई चीज़ है वो बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो जैसे एग्जांपल के लिए तौर पर है ये मोहन एट ऑल द ब्रेड्स, मोहन ने सारे ब्रेड खा लिए। तो यहाँ पे जो ऑल है, ऑल सारा का सारा। सेकंड है देर इज मच वाटर इन द पॉट, तो यहाँ पे मच है। नेक्स्ट है देर वॉज ए लिटल मिल्क इन द जार, यहाँ पे लिटल, तो ये किसी चीज़ की मात्रा को बता रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन की मात्रा को बताया इसने। यहाँ पे मिल्क की मात्रा बताई है, यहाँ पे वाटर की मात्रा बताई है, यहाँ पे ब्रेड की संख्या बताई कि ब्रेड कितने थे। तो ये क्या हो गए हमारे सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद नोट करने की बात आती है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कैसे डिफरेंस होगा, क्योंकि यही वर्ड जो है हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी होते हैं और यही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी होते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिफरेंस करने के लिए, इसमें जो है हमें फ़र्क करने के लिए, समझने के लिए दो पॉइंट क्लियर करने होते हैं। इसमें जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इसमें के बाद या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलेगी आपको या फिर मटेरियल नाउन मिलेगी, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन मिलेगी। जैसे यहाँ पे है ब्रेड, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे मिल्क, तो ब्रेड हमारा क्या है यहाँ पे, मटेरियल नाउन है। वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है। मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है। तो ऐसे ही या तो ऑब्जेक्ट नाउन मिलेगा या फिर मटेरियल नाउन मिलेगा। सेकंड पॉइंट होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिफरेंस करने के लिए, नाउन सिंगुलर होती है, जो नाउन है वो सिंगुलर होती है और सिंगुलर ही वर्ब होती है इसमें, जैसे इज, वॉज। यहाँ पे नाउन है, मिल्क है, वाटर है, ब्रेड, ये जो है सिंगुलर होते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल्स नाउन जो है सबकी सब सिंगुलर होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी जो नाउन और प्रोनाउन किसी भी व्यक्ति और किसी भी चीज़ की ये संख्या बताओ, हाउ मैनी, कितने सारे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इंडिकेट हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर, कि कोई व्यक्ति और कोई चीज़ कितनी संख्या में थे। संख्या बताते हैं, मात्रा तो आएगी क्वांटिटी में, संख्या आएगी नंबर में। जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी आदमी मरणशील हैं, तो यहाँ पे मैन क्या है हमारा, ऑल तो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो मैन क्या है हमारे यहाँ पे, प्लूरल नाउन। तो इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों में डिफरेंस ये, इसमें तो आएगी सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगी प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन हो सकती है, प्लूरल नाउन। तो जैसे यहाँ पे मैन है, ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे आदमी मरणशील हैं। उसके बाद है मून वॉज द फर्स्ट मैन टू कम, मून पहला आदमी था आने वाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, द फर्स्ट। उसके बाद आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ बुक्स है, कुछ पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे सम क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
तो बुक्स है यहाँ पे, मैन है, ये सारे के सारे क्या हैं जो हमारे प्लूरल में है। तो उसके बाद आता है दोनों में डिफरेंस करना। एडजेक्टिव नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है टू टाइप्स होते हैं इसके काइंड। फर्स्ट तो डेफिनेट जैसे 1, 2, 3, 4, और सेकंड होता है इनडेफिनेट जैसे सम, ऑल। और फिर डेफिनेट को भी टू पार्ट्स में किया गया, कॉर्डिनल और कॉर्डिनल और ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर्स। तो ऑर्डिनल और कार्डिनल्स जैसे फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, जहाँ पे आता है हमारा द आर्टिकल। तो यहाँ पे तीनों में डिफरेंस होता है। फिर जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सम आर ऑनेस्ट, कुछ ईमानदार हैं। तो यहाँ पे सम तो हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी, लेकिन इसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, प्रोनाउन में भी आता है जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होती है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है उसके साथ हमें नाउन नहीं मिलेगा, जैसे सम आर ऑनेस्ट, यहाँ कोई भी नाउन नहीं है, तो ये है सम यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन। उसके बाद है आई हैव सम शुगर, मेरे पास कुछ शुगर है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, सम के बाद क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन होना चाहिए और नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ बुक्स है, कुछ पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे जो है सम के बाद क्या हुआ है हमारा नाउन है प्लूरल में, तो यहाँ पे सम क्या हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो कि हमारा थर्ड पार्ट हमने किया एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। आगे हम करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट जो है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स।